एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर थ्री अवर चेंजिंग अर्थ का पार्ट टू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स आपके पास समय समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिकैप ले लिया जाए। जैसे कि हमने पार्ट वन में पढ़ा है, अवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर पार्ट वन में पढ़ा है कि हमने पहले क्या डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने लिथोस्फियर एक प्लेट के बारे में प्लेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है हमने लिथोस्फियर एक प्लेट के बारे में पढ़ा, हमने मोल्टन मैग्मा के बारे में जानकारी ली। देन डिवीज़न ऑफ अर्थ, अर्थ किस बेसिस पर डिवीज़न होता है अर्थ के मूवमेंट का, तो किन टू फोर्सेस के बेसिस में होता है। तो पहला होता है आपका एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। फिर हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक की प्रिपेयरनेस क्या होनी चाहिए, और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स और जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में हम पार्ट टू में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर के कुछ फ्यू टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट लेते हैं। जैसे मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉन अवे बाय टू प्रोसेस। तो ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लैंडफॉर्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो लैंडफॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, हम जहाँ रहते हैं, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे नॉर्मल सा इलाका हो, नॉर्मल सा यानी एक फ्लैट ग्राउंड हो, चाहे ग्रास लैंड हो, चाहे डेजर्ट हो, ये सब लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। तो ये लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, ये दो प्रोसेस से तैयार होते हैं। पहला तो होता है आपका वेदरिंग और दूसरा होता है आपका इरोजन। वेदरिंग एग्जैक्टली होता क्या है? तो वेदरिंग जो होता है दोस्तों, ये वेदरिंग में जो रॉक्स होते हैं अर्थ सरफेस में, जो रॉक्स होते हैं, ये रॉक्स जो होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है? तो इरोजन का मतलब यही जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, सेकंड प्रोसेस जो होती है इरोजन, इसमें यही जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े हवा या आइस या वाटर की हेल्प से ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये जहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये जाके डिपॉजिट भी होते हैं। तो जहाँ ये डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं सरफेस में, अर्थ सरफेस में, वहाँ लैंडफॉर्म्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिवर हो गया, सी हो गया, आइस हो गया या वाइंड हो गया, इनकी हेल्प से कैसे लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। व्हेन द रिवर टम्बल एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन टू स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो बेसिकली ये वाटरफॉल क्रिएट कैसे होता है, वाटरफॉल जो होता है, ये जो लैंडफॉर्म है, ये किस तरीके से क्रिएट होता है? तो आप जानते हैं जैसे कि नदी जब अर्थ के सरफेस से बहती हुई आती है तो अपने साथ कई सारे वो पत्थर, मिट्टी, धूल, बहुत सारी जगह से बहती हुई आती है। तो वो जहाँ पे भी आके एक माउथ में आके जब वो नीचे गिर रही होती है तो वहाँ अर्थ सरफेस की जो रॉक होती है वो होती है आपकी हार्ड रॉक। वो क्या होती है फ्रेंड्स? आपकी हार्ड रॉक होती है, वो होती है आपकी हार्ड रॉक। जब वो नीचे गिर रही होती है तो वो कंटिन्यूसली गिरने के कारण क्या करती है, उस हार्ड रॉक को घिसती हुई, काटती हुई, तोड़ती हुई नीचे गिरती है। तो वो जो हार्ड रॉक जो है वो एक सॉफ्ट रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जब नीचे प्रेशर से गिरती है तो जहाँ वो प्रेशर से गिरती है वहाँ प्रेशर से फॉल होने के कारण वहाँ पर भी एक होल सा क्रिएट हो जाता है, एक छोटा, एक गहरा गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, है ना। इस तरीके से वाटरफॉल फॉर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यही जो नदी होती है, ये जो नदी होती है ये एग्जैक्टली करती क्या है, तो देखेंगे कि ये जो नदी होती है ये एग्जैक्टली आपके लिए करती क्या है। तो ये जब नदी होती है तो ये जब अपने फ्लो से आती है तो ये सीधी सीधी नहीं आती फ्रेंड्स, ये कैसी आती है, ये इस तरीके से मुड़ती हुई आती है, मोड़ के साथ आती है, ठीक है। तो ये जिन मोड़ के साथ आती है तो ये क्या करती है, अपने साथ जितने भी डिपॉजिट्स, अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स वो लेते हुए आती है, वो कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स, वो जहाँ से भी उसके कर्व्स होते हैं वहाँ पे उन सेडिमेंट्स को वो क्या करती है, डिपॉजिट करती हुई चलती है।
ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे जो जो बैंड्स होते हैं, ये जो नदी का जो बैंड होता है यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं, इसे इस बैंड को हम क्या कहते हैं, मिंडर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मिंडर्स. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन ऑफ एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ मिंडर्स, द एंड ऑफ द मिंडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिंडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक. तो ये क्या होता है कि जब कभी भी इन बैंड्स के पास जिस तरीके से डिपॉजिट सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं, तो ये जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाती है, तो ये आपकी जो नदी होती है, ये नदी क्या, नदी का एक पार्ट जो होता है, एक छोटा सा पार्ट उससे अलग हो जाता है और यहाँ पे लैंड फॉर्म हो जाता है. यहाँ पे जो होता है लैंड फॉर्म हो जाता है. तो ये जो पार्ट अलग हो जाता है, ये एक लेक का रूप ले लेता है. यानी यहाँ पानी तो होता है पर ये मूवमेंट में नहीं होता. तो ऐसे लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं. ऐसे लेक्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं. एट द टाइम ऑफ रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग इट्स बैंक. दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन. फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन. तो ये जैसे जैसे अपने साथ, ये जिस तरीके से अपने साथ डिपॉजिट करती हुई सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हुई जाती है, ऑक्सबो लेक को क्रिएट करती है, उसी तरीके से आसपास में सेडिमेंट्स जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं, तो ये एक फूड फ्लड प्लेन का रूप ले लेती है. फ्लड प्लेन का रूप ले लेती है. और फिर साथ में वहाँ पे जो एक ऊंचा पोर्शन, उस बैंक में जो एक ऊंचा पोर्शन है ना, उसकी नॉर्मल जो आपके सी का नॉर्मल आपका जो लेवल होता है, रिवर का जो लेवल होता है, उससे जब थोड़ा सा ऊपर ज़मीन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं. इस तरीके से ये क्या करती है, लैंड फॉर्म करती है. रिवर जो होती है वो लैंड फॉर्म करती है. अब ये जब रिवर आगे बढ़ती हुई जाती है, तो रिवर बिगन्स टू स्टार्ट ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स. तो जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी नदियों, ये नदी जो होती है और छोटी छोटी नदियों में डिवाइड होने लगती है. ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो देखिए ये जो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन है आपका क्या, मेन रिवर का, मेन रिवर का सेक्शन है. ये जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो आगे बढ़ती गई तो ये धीरे धीरे अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड होने लगी. ऐसे स्ट्रीम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड. और ये रिवर का फ्लो इतना, जब ये धीरे धीरे करके जब ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है रिवर, तो डिवाइड होने के बाद ये इसका फोर्स इतना स्लो हो जाता है कि ये अपने साथ लाया हुआ जो भी सेडिमेंट, जो भी डिपॉजिट है, वो वहीं पे छोड़ देता है उसे, और आगे बहा के नहीं ले जा पाता. ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म इट्स ओन माउथ. और हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो अपना खुद का एक छोर बनाती है, अपना खुद का एक छोर बनाती है, जहाँ पे ये जो कलेक्शन होते हैं, जो जितने भी माउथ पे ये जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं सी वेव्स. तो बेसिकली सी वेव्स करती क्या है, तो आपको पता है सी, सी यानी समुद्र. समुद्र में क्या होता है, पानी होता है. और पानी क्या करता है, वो पानी कैसा होता है, वेव्स में होता है. यानी सागर, सागर की जो लहरें होती हैं, वो लहरें क्या होती हैं कि वो लहरें आती हैं और वो चट्टान से टकराती हैं. वो लहरें आती हैं और वो क्या करती हैं, चट्टान से टकराती है. जब वो लहरें चट्टान से टकराती है, तो एक बार टकराएगी, दो बार टकराएगी. जब वो बार 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 करके टकराने लगती है, तो उस चट्टान में क्रैक डेवलप होने लगता है. उस चट्टान में क्या होता है, क्रैक, यानी उस चट्टान में क्रैक्स आने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सी केव कहते हैं. उस ब्रेक्स को हम क्या कहते हैं, सी केव कहते हैं. और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये जो ब्रेक है, अब ये टुकड़ों में डिवाइड होने लगती है धीरे धीरे करके, वहाँ के उस चट्टान में होल होने लगता है. जब वो होल हो जाता है, जब वो होल आर पार निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सी आर्च कहते हैं. क्या कहते हैं, सी आर्च कहते हैं. और जब ये आर्च धीरे धीरे करके बड़ा होते 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 उस चट्टान को कंप्लीटली इस पोर्शन से डिवाइड कर देता है, दो चट्टान में कन्वर्ट कर देता है उस पर्टिकुलर चट्टान को, हर पर्टिकुलर चट्टान को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं. हर पर्टिकुलर चट्टान को हम कहते हैं स्टैक कहते हैं. फिर धीरे धीरे करके जब ये सी वेव्स जो होती हैं,
जब ये स्टैक को भी इरोड करती हुई चलती है तब हम इसे सी क्लीफ कहने लगते हैं, यानी वर्टिकली जब इसे इरोड करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सी क्लीफ कहते हैं। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे इसमें क्रेक आए, क्रेक आने के बाद इसमें होल हुआ, तो क्रेक आया, क्रेक आने से होल के बीच में उसके जो चट्टान के वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं यानी वो जो सेडिमेंट्स हैं वो टूटे होंगे। अब वो टूटे हैं तो वो लहरों के साथ क्या हुए होंगे, वो लहरों के साथ बाहर तक आए होंगे, आए होंगे तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हुए होंगे। जब वो डिपॉजिट हुए तो ऐसे ही सेडिमेंट्स जब यहाँ से वहाँ डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होने के साथ साथ सी सोर्स में डिपॉजिट होते हैं यानी सागर के किनारे, समुद्र के किनारों में डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पे ही क्या फॉर्मेशन होता है, बीचेस का फॉर्म यानी बीच का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि वर्क ऑफ आइस, आइस किस तरीके से लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, बेसिकली ग्लेशियर्स होते क्या हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि ग्लेशियर्स जो होते हैं वो होते हैं रिवर ऑफ आइस, यानी कि नदी ही होती है पर वो बर्फ़ बन चुकी है, यानी जमी हुई नदी को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर होते हैं ये क्या करते हैं, विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू द एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने साथ जो भी स्टोन या सॉइल इस बहा के, ये जब ये नदी ठीक रहती है, जब ये नदी मीन्स लिक्विड फॉर्म में रहती है, नदी के फॉर्म में रहती है, ग्लेशियर नहीं बनती है, तब ये अपने साथ क्या करती है, डिपॉजिट करके लाई हुई स्टोन हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, इसे अपने साथ क्या करती है, इरोड करके लेके आती है। और इरोड करके लेके आने के बाद जब ये ग्लेशियर बन जाते हैं तो ये वहाँ जम जाती है। तो ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। तो ये ग्लेशियर क्या करते हैं कि ग्लेशियर जब ये धीरे धीरे जमने लगती है, तो जमने लगती है तो बर्फ़ बन जाती है। तो बर्फ़ क्या होती है, चट्टानों से टकराती हुई निकलती है। तो जब ये चट्टानों से टकराती हुई निकलती है तो चट्टानों को अपने साथ काटती हुई जाती है। जब ये चट्टानों को अपने साथ काटती हुई जाती है तो आगे जाके जब ये जम जाती है तो ये टोटली जम जाती है। तो वो जो चट्टानों की जो सेडिमेंट्स है, उसके जो डिपॉजिट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो उस बर्फ़ में ही रह जाते हैं। आगे जाके जब ये ग्लेशियर जो होता है, ये आइस जो होता है, ये जब मेल्ट होता है तो ये अपने आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक में, यानी एक लेक, एक तालाब के रूप में ढल जाते हैं, एक तालाब के रूप में ढल जाते हैं माउंटेन में। द मटेरियल कैरिड आउट बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड। और फिर उसके बाद क्या होते हैं कि जब ये तालाब बन जाते हैं तो वहीं पे ये जो अपने साथ जो डिपॉजिशन लेके आते हैं, ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं, वो सेडिमेंट्स वहीं के वहीं क्या होता है, तालाब होने के कारण वहीं डिपॉजिट हो जाता है, है ना। तो इस डिपॉजिट से क्या तैयार होता है, ग्लेशियल मोरेनिस, है ना, ग्लेशियल मोरेनिस फॉर्म होती है। ये एक तरीके का लैंड फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा कि नदी अपने साथ किस तरीके से लैंड फॉर्म करती है। तो नदी जब अपने साथ बहती हुई आती है तो वो वाटरफॉल के रूप में लैंड फॉर्म क्रिएट करती है, फिर डेल्टा के रूप में लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है, फिर उसी के बाद जब वो नदी आगे बढ़ती है समुद्र से जाके मिलती है, समुद्र जो होता है वो अपना बार बार स्ट्राइक करता है चट्टान को, फिर उससे वो आर्च बनाता है, आर्च बनाने के बाद फिर वो स्टैक बनाता है, स्टैक बनाने के बाद फिर वो बीचेस क्रिएट होते हैं। फिर सेम हमने ग्लेशियर के लिए, यानी हमने अल्टीमेटली अभी तक किस टाइप का इरोजन देखा, जो कि वाटर के थ्रू होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हवा के द्वारा किस तरीके से इरोजन होता है। तो इरोजन, और ये बेसिकली कहाँ होते हैं, ये डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं। तो जो डेजर्ट्स में जो इरोजन होते हैं वो उसका जो सबसे एक्टिव एजेंट होता है वो होता है विंड, क्योंकि डेजर्ट में वाटर होता नहीं है, तो इसीलिए विंड, हवा जो होती है वो वहाँ की सबसे एक्टिव एजेंट होती है जो कि इरोजन करती है। इन डेजर्ट यू कैन सी द रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम। तो डेजर्ट में हम ज़्यादातर अगर देखें तो वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो मशरूम के शेप में दिखेंगे, है ना। ऐसे रॉक्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। विंड जो होता है वो क्या करता है,
कि जो लोअर यानी रॉक का जो नीचे का सेक्शन होता है, रॉक जो होता है उसका जो नीचे का सेक्शन होता है, यानी समझ लीजिए इस तरीके से अगर रॉक है ज़मीन में, तो जब विंड अपने साथ सेडिमेंट्स लेती हुई जाती है तो वो क्या करती है, वो उसे नहीं काटती है, वो ऊपर टॉप के पोर्शन को नहीं काटती है, वो क्या करती है, वो ये नीचे का पोर्शन कट करती हुई चलती है, ये नीचे का पोर्शन कट करती हुई चलती है। इसीलिए ये जो रॉक होते हैं ये कुछ इस तरीके से मशरूम फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से मशरूम फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स द ट्रांसपोर्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये मशरूम फॉर्म में मशरूम रॉक्स क्रिएट करती है तो ये इसके सेडिमेंट्स को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह क्या करती है, बहा के उड़ा के ले जाती है। जब हवा चलती है तो ये अपने साथ लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इनटू लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये हवा चलना बंद हो जाती है तो ये जो सैंड होता है जो उड़ रही होती है वो एक जगह जाकर डिपॉजिट हो जाती है ना, तो एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, यानी एक जगह वो सैंड जाकर जमा हो जाती है जिसे, जो कि एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये पहाड़ी जैसा दिख रहा है आपको, पहाड़ी जैसा पोर्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर फाइन लाइट द विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब ये जो ग्रेन्स होते हैं यानी सैंड के जो, यानी ये रेती के जो छोटे छोटे कण होते हैं, या अगर छोटे होते हैं या हल्के होते हैं, तो ये अपने साथ, हवा अपने साथ इन्हें काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकती है, है ना। तो व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लियोस। तो ऐसी सैंड जो एक लार्ज एरिया, एक लंबे डिस्टेंस में जाके, एक बड़े एरिया में जाके जब डिपॉजिट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लियोस कहते हैं। द लार्ज डिपॉजिट ऑफ लियोस इज़ फाउंड इन चाइना। और सबसे ज़्यादा ये अगर किसी कंट्री में पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं चाइना में। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया ये चैप्टर, तो ये था चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट अगर आपको है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोट्स मैं बहुत जल्दी तैयार करूँगा और उसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे मैं उनके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।